हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोग ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हम लोग ने खत्म किया था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। अब हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, रुको यार, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अभी क्या ये चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जरा आराम से मन लगा के समझेंगे इसको। जैसे देखो साहब, हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था हाल ही में, डिमांड, बराबर। अब उस डिमांड चैप्टर के बारे में क्या बात हुई ना, कि कंज्यूमर प्राइस को देखता है, इनकम को देखता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ को देखता है, वो सारी चीज़ों को देखता है, उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट को डिमांड करना या नहीं करना ये भी डिसाइड करता है वो। सही बात है एकदम, यस सर। बट ये सब एक तरफ, आपको पता है क्या कि ह्यूमन वांट्स जो है, आपको क्या लगता है ह्यूमन वांट्स? वेरी गुड। तो सर ये ह्यूमन वांट्स जो है ना, सच्ची कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, ये ह्यूमन वांट्स है ना सर, अनलिमिटेड है। प्रॉब्लम क्या है, उसको पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए ना, ये रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंसान की मांगे जो है ये असीमित है, और उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज जो है वो कैसे है, वो लिमिटेड है। अब इसके वजह से क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करो, वो प्राइस, इनकम, ये वो सब एक तरफ, बट भाई ये एक प्रॉब्लम एक तरफ कि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस। तो इस वजह से बच्चों मालूम है क्या होता है, नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स, नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? वो बोलता है नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक वांट मेरी सेटिस्फाई हुई नहीं, दूसरी वांट लगे सामने आ गई, वो दूसरी सेटिस्फाई हुई नहीं, तीसरी वांट आ गई। अरे बट घर वालों ने से सुना होगा ना कभी, पैसे का पेड़ पे उगते क्या, सुना होगा ना आपने, ये सारी मांगे थोड़ी पूरी हो सकती है। नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो इसीलिए क्या हो जाता है, आप समझिए, देयरफॉर क्या बोल रहा हूं मैं, therefore consumer will prefer only those goods or services which has want satisfying power। बहुत भारी चीज है ये। तो हम लोग सारी चीजों को नहीं मांगेंगे, हम लोग सिर्फ उसी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे जिसके अंदर क्या है, अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है, विच हैज गॉट व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर। वी विल डिमांड ओनली दोज गुड्स एंड ओनली दोज सर्विसेज भाई, विच हैज गॉट व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैं कुछ भी मन में आया वो थोड़ी खरीद सकता हूं, बराबर कि नहीं, जो मन में आया जो खरीदते। आप भी करते क्या, आपके मन में बहुत सारी चीजें आती है, भाई मेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये चाहिए मेरे को, वो भी चाहिए मेरे को, ऐसा भी करने का है, मेरे को ऐसा भी करने का है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में, ख्यालों में आती है। बट क्या आप सब चीजें खरीदते क्या? नहीं खरीदते। काफी प्रैक्टिकल सा चैप्टर है, नहीं खरीदते भाई। क्यों क्यों नहीं खरीदते मुझे बताओ, क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि सर पैसे लिमिटेड है सर, हमें अपना मन जो है ना वो मारना पड़ता है सर, हमें कुछ चीजें जो है ना सर उसे छोड़नी पड़ती है, और कुछ ही चीजों को हम लोग पा सकते हैं। सो इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है, ही प्रेफर्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज गॉट व्हाट वांट सेटिस्फाइंग पावर। ऐसी कमोडिटीज ही लूंगा मैं जिसमें अभी मेरे मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है। अभी मान लो मेरे पास सिर्फ 20 रुपए है, और अब मेरे को चाहिए बहुत कुछ चीजें, मेरे को समोसा भी खाना है, वड़ा पाव भी खाना है, मेरे को कॉफी भी पीना है, कर सकता हूं कि 20 रुपए में? नहीं। तो उन तीनों में से सिर्फ मैं क्या करूंगा, ऐसी चीज को ही चुनूंगा जिसके अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है। अपन क्या करेंगे, भाई मेरे को कॉफी चाहिए अभी गरम गरम,
So I'll have that coffee. I'll leave other unsatisfied. You getting my point? So मैं उन्हीं products या services, उन्हीं goods या services को opt करूंगा जिसके अंदर क्या हो, want satisfying power हो. Clear एकदम बात? Yes sir. तो दोस्तों जब हम लोग कहते हैं ना कि want satisfying power की जब बात करते हैं, so इसी को कहते हैं, want satisfying power of a commodity को ही कहते हैं क्या, utility. So what is utility? Want satisfying power of a commodity is called as what? Utility. तो utility का मतलब जो highlighted part है ना, that is utility. So utility is want satisfying power of a commodity. Clear एकदम? Yes sir. That is utility. So that is what is the theory of consumer behavior. Consumer का behavior क्या बोलता है कि भाई उन्हीं products, उन्हीं goods या उन्हीं services को opt करो जिसके अंदर अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है. भाई जिस प्रोडक्ट में मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता नहीं है, मैं वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा. दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर. तो इसीलिए जब हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या सीखते हैं उसके अंदर, व्हाट इज प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, बट दोज आउटपुट्स शुड हैव व्हाट, वांट सेटिस्फाइंग पावर. ऐसा ही आउटपुट बना के नहीं चलेगा भाई, तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा. अब ऐसा आउटपुट बनाओ जिसके अंदर उस कंज्यूमर की वॉन्ट सेटिस्फाई हो, उसको उसके अंदर यूटिलिटी दिखे, तब जाके वो खरीदेगा चीज को. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. सो दैट इज वॉट वी कॉल इट एज यूटिलिटी. यहां तक कोई डिफिकल्टी, कुछ क्वेरी? नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यह समझने के बाद वॉट इज यूटिलिटी, अगर आपको यह क्लियर हो गया कि ओके दिस इज यूटिलिटी, क्या हम इस अंडरस्टैंडिंग से कह सकते हैं क्या कि सर यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? कैन आई से दिस कि बॉस यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन करके बोलो तो सही. कैन आई से दिस? और कहना है देखो यूटिलिटी का मतलब क्या है समझो. यूटिलिटी इज इक्वल टू वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. तो इस हिसाब से क्या मैं कह सकता हूं कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? वी डोंट नो सर, आप ही बता दो. चलो ध्यान से देखना, ये कॉफी है, इस कॉफी के अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है. इट हैज गॉट वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर. बोलो यस और नो? यस सर. क्या मुझे यूटिलिटी मिली? यस सर. क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिला? yes, सोच समझ के बोलना. कॉफी को देख के सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा? एक काम करता हूं फिर, मैं आज से तेरे को सिर्फ खाना दिखाता हूं. देख बेटा खाना, तो तेरा पेट भर जाएगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा. सोचो समझो और जवाब दो. यूटिलिटी मतलब क्या है? इट इज जस्ट कि भाई इसके अंदर जरूरत को पूरा करने की क्षमता है. बट क्या इससे आपकी जरूरत पूरी हो गई? अरे पता नहीं कैसे, येड़ा है क्या पता नहीं बोले. हाँ तो सेटिस्फैक्शन मिला क्या? अभी जब आप एक्चुअली उसे कंज्यूम करोगे तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना. अरे बोलो भाई. सो इसीलिए हम कहते हैं यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. बट यूटिलिटी की जब बात करते हैं दोस्तों, सो वी से दैट यूटिलिटी इज व्हाट, इट इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. समझा क्या? यूटिलिटी क्या है? इट इज एंटीसिपेटेड. इट इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. क्योंकि आप समझ, सेटिस्फैक्शन इज एक्चुअल सेटिस्फैक्शन. अरे बोलो ना. इसको देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा करके. बट हैव आई एक्चुअली गॉट द सेटिस्फैक्शन? नो. अब सेटिस्फैक्शन मिला ना भाई. और ये सेटिस्फैक्शन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एज कंपेयर टू व्हाट आई एंटीसिपेटेड. मैं सोचा था कि भाई एकदम हॉट कॉफी रहेगा, मजा आएगा, गले को गरम गरम शेक मिलेगा, आ हा हा. बट अब अगर ये ठंडी कॉफी है तो मुझे मजा आएगा क्या? सो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट एज कंपेयर टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. समझे क्या बात को? पक्की बात है. सो टेल मी, इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? नो. इज इट इक्वल टू एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? यस सर. क्लियर एकदम बात? यस सर. ओके आगे बढ़ते हैं. इज कैन वी से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस? जो चीज यूजफुल है वही चीज में यूटिलिटी, जो चीज यूजफुल नहीं उसमें यूटिलिटी नहीं. अब जैसे देखो ये ब्लैक कॉफी मेरे को यूजफुल है,
मतलब ये कैफीन मिलेगा, मस्त एकदम एनर्जी आएगा, ऐसा पढ़ाएगा, फिर बोलेगा आज सर क्या लेक्चर था, बढ़िया आया, मजा आया। सो कॉफी इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आप लोग बूस्ट पीते, मैं कॉफी पीता। अब मुझे बताओ, जिसमें यूजफुलनेस है, जो चीज यूजफुल है उसी में यूटिलिटी है, जिसमें यूजफुलनेस नहीं उसमें यूटिलिटी नहीं, बोलो तो सही, बोलो तो सही। नो सर। क्यों सर? आप समझिए, जो चीज आपके लिए हार्मफुल है लोगों को उसमें भी यूटिलिटी नजर आती है। लोग फूफू करते ना, बराबर के नहीं? लोग दवाई लेते विटामिन डी, बराबर के नहीं? तो दवाई मतलब समझ रहे हो ना बात को, अल्कोहल, बराबर। तो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, क्या ये आपके लिए हार्मफुल है? क्या ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है? यस सर। फिर भी लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर मेरी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तुम समझ रहे हो बात को? यस सर। सो ऐसे कमोडिटीज जो हार्मफुल है लोग उसमें भी क्या ढूंढ रहे हैं? सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो उसमें भी उन्हें क्या मिल रहा है दोस्तों? यूटिलिटी मिल रहा है। तुम समझ रहे हो बात को? सो इसीलिए यहां पे कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना यूटिलिटी का, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज वॉट एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी जो है ना सर, ये अच्छा और बुरे में फर्क नहीं करता। वो बोलता है अच्छी चीज भी आपको यूटिलिटी देगी और बुरी चीज भी आपको यूटिलिटी देगी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज वॉट एथिकली न्यूट्रल। बट ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि जो चीज यूजफुल है उसी में यूटिलिटी मिले, जो चीज हार्मफुल भी है उसमें भी लोगों को यूटिलिटी मिलती है। क्लियर एकदम बात? यस सर, बेस्ट है। उसके बाद चलो आगे। तो फिर तो सर कंक्लूड करते हैं ना कि जिस चीज में मजा आए फिर चाहे वो यूजफुल हो या हार्मफुल हो उसमें यूटिलिटी, सही है ना? फिर कंक्लूड कर देते बात को, जो चीज में भले ही वो हार्मफुल हो या भले ही वो यूजफुल हो, अगर उसमें आपको वांट सेटिस्फाइंग पावर दिख रहा है, मजा आ रहा है उसमें, तो इट इज व्हाट यूटिलिटी। क्या ऐसा कहेंगे क्या? यस सर। तो ऐसा भी नहीं कहेंगे। क्यों सर? बम पे इंजेक्शन लिया ना, लिया था ना, हाथ पे इंजेक्शन लिया था ना, कोविड का लिया था ना, मजा आया था क्या? वाह यार बहुत मजा आया इंजेक्शन लेके यार, हाथ भी ऊपर नहीं आ रहा, बीमार हो गए, पता नहीं यार इंजेक्शन लेके बीमार हो रहे यार, मजा आया था क्या तभी? नहीं सर। सर वो बहुत दुखा था वो, क्या नहीं? हमको तो दुखा था भाई, हम इंसान है, ठीक है। दूसरे इंजेक्शन, दूसरे डोज में नहीं हुआ था, फर्स्ट डोज में तो दुखा था भाई, दोनों में नहीं दुखा था। तू भारी आदमी है भाई, तू स्ट्रांग है एकदम, खाली लगवाया था हाँ, वो तेरे साथ स्कैम हो गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए रिलैक्स गाइस। सो उसमें मजा नहीं आता है इंजेक्शन लेने में, सही है ना एकदम? सो भैया बट फिर भी उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है ना, लगवाना तो पड़ेगा भाई इंजेक्शन। चलो ठीक है, इंजेक्शन नहीं, कड़वी कड़वी दवाइयां कभी खाई होगी आपने बचपन में, बराबर के नहीं? कितना मुंह बिगाड़ते आप, बराबर। बट क्या हुआ वापस से, वो लेना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर तो है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, नॉर इक्वल टू यूजफुलनेस, नॉर इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज सिंपली वॉट वी से इज, इट इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, कि ऐसे कमोडिटीज जिसके अंदर आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है, उन चीजों में हम कहेंगे सर उसके अंदर यूटिलिटी है। सो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑप्शन ए, बी, सी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ए सेटिस्फैक्शन, बी यूजफुलनेस, सी pleasure. So it is different from all of the above. Utility is equal to anticipated satisfaction, satisfaction, pleasure, usefulness. Anticipated satisfaction. समझ में आया बात आपको? Yes sir. So ये है about utility, the theory of consumer behavior. It is all dependent upon what? This utility. यहां तक कोई query? एकदम आसान है? Yes sir. अब utility को study करने के लिए दो theories है, दो लॉज है, दो अप्रोचेस है हमको दिए गए हैं यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए, ठीक है ना? सो वो कौन से है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज सबसे पहले जो बात करेंगे
वो हम चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या कहते हैं अमन, फर्स्ट पॉइंट जो बात करेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये अप्रोच जो है सर, ये दिया गया है बाय योर फेवरेट अल्फ्रेड मार्शल। हां जी बेटा, सो ये जो अप्रोच दिया गया है, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ध्यान में रखना, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ये अप्रोच आपको दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। अभी ध्यान से सुनना, बिफोर वी स्टडी विथ द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हमें कुछ अजम्पशंस की बात करनी है, बिकॉज अगेन इट इज अ लॉ, सो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, सम अजम्पशंस। सो इसके अजम्पशंस क्या है, आइए दोस्तों वो सीखते समझते हैं। अजम्पशन नंबर वन, मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर रैशनल है। अजम्पशन नंबर वन इज दैट कंज्यूमर इज व्हाट, रैशनल। मतलब क्या है कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब वो कहते हैं कि कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो हमेशा फोकस करेगा टू ऑब्टेन व्हाट, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इज रैशनल। देखो आप और हम जो कंज्यूमर्स है, हम हमेशा एम करेंगे, हमेशा हम चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। सो दैट इज द एंटायर एम ऑफ द कंज्यूमर, टू ट्राई एंड अचीव व्हाट, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर एकदम, फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज द रैशनल फर्स्ट पॉइंट, द कंज्यूमर विल ट्राई टू ऑलवेज अज्यूम व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दैट इज वी अज्यूम कंज्यूमर इज रैशनल। क्लियर एकदम, यस सर। सेकेंड अजम्पशन बहुत बढ़िया है, वो कहता है कि जो यूटिलिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना सर, दिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द कार्डिनलिटी और कार्डिनल अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनलिटी, कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हम लोग यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। अब आप समझिए बात को, ये कॉफी क्या इसके अंदर दोस्तों, डू आई हैव वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, डू आई हैव वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, पक्की बात है, यस सर। कितनी, व्हाट इज द नंबर, हाउ मच सेटिस्फैक्शन, चलो टेल मी, बोलना पड़ेगा, 1, 2, 10, 50, 100, 200, 500, 1,000, 1 lakh, कितना, हाउ मच सेटिस्फैक्शन बताइए, हाउ मच यूटिलिटी, बोलो ना, हाउ मच यूटिलिटी। आप बोलोगे सर कैसे बताएंगे, ऐसे पागल हो क्या, ये यूटिलिटी सर ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसको आप बस फील कर सकते हो कि कितनी संतुष्टि प्राप्त हो सकती है करके। सर नंबर में कैसे बताएंगे इसको, मतलब पागल हो क्या, ऐसा सर को ऐसा बोलता है ये, तू बाहर मिलते को बताता हूं। तो आप समझने की कोशिश करो, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई, इसीलिए तो उसको अजम्पशन बोला है ना, इसीलिए तो उसको अजम्पशन बोला है, कि वो बोल रहा है मैं मान के चलता हूं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, अज्यूमिंग दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। समझा गया बात को, यस सर। सो इट इज मेजर्ड, क्लियर एकदम। सो ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे, तो हमने बोला ठीक है भाई मेजर कर लेंगे, बट कैसे बताऊं तेरे को, 1, 10, 20, कुछ तो एक स्केल होना चाहिए ना मेजर करने के लिए भाई। सो वो कहता है मनी इज यूज्ड एज मेजरिंग रॉड फॉर यूटिलिटी। क्या बोला वो, मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड फॉर यूटिलिटी। मतलब सिंपल भाषा में, आप इसके लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो, दैट इज द यूटिलिटी यू गेट। समझा क्या बात को, नाउ इफ आई एम टेलिंग यू कि गाइस दिस इज द वॉटर बॉटल, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर दिस वॉटर बॉटल, 20 rupees, 30 rupees, 50 rupees। सो वॉट एवर यू आर विलिंग टू पे, जितना पैसा आप देने के लिए तैयार हो भाई, दैट इज द यूटिलिटी व्हाट यू गेट।
चलो आपको इसको एक ना एक्सपीरियंस कराता हूं, फील कराता हूं मैं। आप जब शॉपिंग करने जाते हो मम्मी पापा फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, तो आप जब ऐसे रैक्स में कपड़े देखते जाते हो देखते जाते हो, उसमें से आपको एक शर्ट पसंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे। आप आपके भाई बहन फ्रेंड्स मम्मी पापा किसी को भी आप बताते हो कि कैसा है ये, तो वो बोलते हैं अच्छा है, एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज कितने का है, दैट इज द इंस्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स, अच्छा है बट कितने का है। एंड नाउ योर इमीडिएट रिएक्शन टू दिस इज होगा 500 का, मैंने देखा नहीं अभी तक 500 तक का होगा, सही है ना। फिर आप देखते हो, आप चेक करते हो कि वो कुछ दूसरा नंबर होगा उसका, वी डोंट नो, बट जब आप बोलते हो ना कि भाई होगा 500 का, दैट इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी यू डिराइव, दैट इज 500 यूटिल्स। समझा गया? जब भी आप कोई भी चीज का प्राइस का अनुमान लगाते हो ना, होगा इतने का, देखो मैं 500 का बोलूंगा, आप शायद उसको बोलोगे 800, क्योंकि आपको उसकी समझ होगी, हीरे को हीरे की परख जोरी को ही होती है ना भाई, तो आपके हिसाब से भाई कपड़े का फैब्रिक क्वालिटी ये वो देख के आपको लगता है भाई ये तो 800 में मिलना चाहिए, ये सही है ना एकदम। बट व्हेन यू एक्चुअली सी द प्राइस एक्चुअली कैन बी व्हाट डिफरेंट, सो व्हाट यू एंटिसिपेट कि इतने का होगा, दैट इज व्हाट इज द यूटिलिटी। समझ में आई बात आपको? सो मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड, क्लियर एकदम? यस सर। कि आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो उस चीज के लिए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी अज्यूम दैट देर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो पैसे की जो यूटिलिटी है ना, इट इज व्हाट? कांस्टेंट। अब आप समझो, अगर आपको आज पैसे दिए जाते 100 रुपए, आपको पूछता हूं और 100 रुपए चाहिए क्या, आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? और एक्साइटेड रहोगे या गम रहेगा आपको कि यार 100 रुपए मिल रहे और एक्स्ट्रा? यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर एक्साइटेड। चलो 200 रुपए हो गया, आपको बोला और 100 रुपए, यू विल बी हैप्पी? आपको और 100 रुपए दिए, बैक टू बैक पैसे दिए ही जा रहा मैं आपको, आप ऐसे इरिटेट हो जाओगे क्या? अरे यार बस करो यार, कितने पैसे दे रहे हो यार, मम्मी आपको बोल रही है, पापा आपको बोल रहे हो, बेटा ये ले 500 रुपए, ये ले 500 रुपए, ये ले 500 रुपए, क्या आप ऐसे बोलोगे? अरे क्या मम्मी क्या चालू है ये, क्या पापा व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, इतने पैसे क्यों दे रहे हो मेरे को? मना करोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे आने दो भाई। सो द एडिशनल सेटिस्फैक्शन that you anticipate with the extra amount of money that you receive, it goes on what? Increasing. भाई अब समझो, पैसे के basis पे आपने पूरा marginal utility analysis खड़ा किया है concept को, और वो जो base है वो base ही stable नहीं है। जैसे जैसे लोगों को और पैसे मिलते जाते हैं, चलो एक other way round समझाता हूं, जैसे जैसे लोगों को और पैसे मिलते जाते हैं, लोगों को उस पैसे की कीमत कम हो जाती है, पैसे की वैल्यू नहीं रहती उनको। आप देखे आप कभी, हाँ एग्जाम्पल राज सर का ही दे रहा था मैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं राज सर, स्वप्निल सर, आनंद सर, हम लोग सब जा रहे थे, तभी सर ने BMW लिया था, सर की जो GT है ना वो सर ने ली थी, स्वप्निल सर ने। तो हम लोग सब है ना ऐसे ही घूमने गए थे, तभी तो नंबर प्लेट भी नहीं आया था सर की गाड़ी का, स्वप्निल सर की गाड़ी का नंबर भी नहीं आया था, हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे। अब क्या हुआ, एक सड़क पे एक मोड़ आया, वहां पे पुलिस वाला मिल गया हमको, ठीक है ना। अब वो देखा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है बराबर, तो पुलिस ने रुकाया, राज सर इज लाइक कि डायरेक्टली जेब से 500 रुपए निकाले ले, उसने ले लिया, हम आगे निकल लिया, नो चिक चिक नो नथिंग। नहीं तो अपन रहते तो अपन, सर प्लीज जाने दो ना सर, वापस नहीं करूंगा ऐसा, मैं अभी गाड़ी घर पे लगा रहा हूं, मैं हम लोग गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि अपने लिए वो 500 रुपए की कीमत है। राज सर इज लाइक कि डायरेक्टली 500 रुपए निकाला, ये लोग खत्म करो बात को। हम लोग लिटरली देखते रह गए राज सर, भाई अरे चलो यार, कहां मूड खराब कर रहे हो, मतलब चलो कहां मूड खराब कर रहे, कहां उसके पीछे लगेंगे, चलो पैसे की कीमत ही नहीं है 500 रुपए की, तुम समझ रहे हो बात को।
तो रिलैक्स रह रहे, कितना कमेंट्री कर रहा। तो आप समझने की कोशिश करो। तो जैसे जैसे इंसान के पास पैसे बढ़ते जाते हैं ना, उसकी वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाती है, कम। वो कहते हैं ना पैसा क्या है, इंसान के हाथों का मेल है। अरे वो मेल आने के लिए टाइम लगता है ना, बट वो मेल ऐसा नहीं है ये ले मेल पैसा दे उसका, वो मेल आने के लिए टाइम लगता है, वो समझ रहे। तो उसका वैल्यू ऐसा है। तो इसीलिए यहां पे मार्शल क्या बोल रहा है कि इंसान चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, पैसे की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। हे गाइस, यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। भले ही आपको एडिशनल पैसा मिलते जाए, बट फिर भी आज के तारीख में जो पहले जो वैल्यू थी पैसे की आपके लिए, आज भी वही रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कितना पैसा मिल रहा है करके। समझे क्या बात को? बोलो आया ना? वेरी गुड। दैट इज वी टॉक अबाउट कॉन्स्टेंसी। और ये आज तक मेरे को पता नहीं, ये अजम्पशन के वजह से या क्या, बट पता नहीं, कभी कभी होता है ना, इंसान जिस बैकग्राउंड से आता है भले कितना बड़ा भी बन जाए, बट फिर वो रियलाइजेशन रहता है वैसे कि वह इतना महंगा। अभी जैसे हम फैमिली के साथ, मैं, मम्मी पापा, भैया, भाभी, माय वाइफ एंड ऑल द किड्स ऑफ द फैमिली, हम लोग सब है ना डिनर पे गए थे। खाना वाना खाया सब हुआ एंड बिल आया, बिल कुछ आया था 6-7 हज़ार रुपये का बिल आया था। एंड पापा ने बिल देख लिया, वो 6,000 रुपये 7,000 रुपये का। भाई इतनी डांट पड़ी होंगी ना। बोले तुम पागल हो क्या, 6-7 हज़ार रुपये में महीने भर का राशन आ जाता है इसमें, घर में अपन 2 वक्त का खाना खा सकते हैं 6,000 रुपये में। तुम एक टाइम पे, एक समय पे, एक मील में तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, अक्कल नहीं है तुम्हें ना, ऐसा ऐसा ये वो। इतने डांटे होंगे ना उधर ही, मतलब पब्लिक के सामने बेच जाती। बोले अरे पप्पा घर जाके डांट लेना। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो पैसे की कीमत आपने कभी भूलनी नहीं चाहिए। अननेसेसरी, आपने सुना होगा ना भाई, तू खर्चा कर बट वो फालतू खर्चा मत कर, वो खर्चा वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज कॉन्स्टेंसी ऑफ व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज। तो वो बेस जो है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। क्लियर है एकदम बात? यस सर। चलो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द इंडिपेंडेंट, हाइपोथीसिस ऑफ यूटिलिटी। सो व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट हाइपोथीसिस ऑफ यूटिलिटी? हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से कितना हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हम लोग इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो व्हेन वी स्टार्ट विथ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दोस्तों ये पहले 5 बेसिक अजम्पशंस हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो कौन से है? कि कंज्यूमर रैशनल है, सही क्या गलत क्या उसकी समझ है, और वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा। सेकेंड, हम क्या कहते हैं कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। थर्ड, मेजर कैसे करेंगे? तो मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड, बट मनी का मार्जिनल यूटिलिटी विल बी अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। और हर एक आइटम से जो आपको यूटिलिटी मिलेगा, वो हम लोग इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई क्वेरी यहां पे? पक्की बात एकदम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं ना सर। फिर ये होने के बाद, ये अजम्पशन स्टडी करने के बाद, कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कुछ और एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस मार्जिनल यूटिलिटी कि सर ये क्या होता है, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो आप समझिए, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस वन। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूलाज है उसके, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। हम लोग जरा इसको वास्तविक में समझते हैं। क्वांटिटी वन, यहां पे लिखता हूं यूटिलिटी, ये इसको बाद में मैं इरेज करने वाला हूं। अब अगर आप देखो फर्स्ट यूनिट बराबर के नहीं, अभी अगर अपन, तू इधर आ बेटा, हाँ
बहुत बोल रहा था ना तू, आ जा अपन थोड़ा पढ़ाई करेंगे मस्त, उधर बैठ के क्या है टाइम पास कर रहा तू। स्क्रीन में आया क्या इधर अच्छे से? आ जा सर, स्क्रीन में शेयर करो सर। हाँ हाँ, आगे आगे रहने दे, रहने दे सूरज, रहने दे। अभी देखो आपका नाम क्या, सबको बताओ। उज्जवल। उज्जवल, उज्जवल भाई आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, यूटिलिटी वाला। अब देखिए यहाँ पे पानी का बोतल जो है उज्जवल जी के हाथ में, फर्स्ट सिप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पिएंगे, प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, बराबर क्या। तो उज्जवल भैया आप कितना यूटिलिटी एंटिसिपेट कर रहे हो, कि कितनी संतुष्टि आपको प्राप्त हो सकती है? हाँ तो बोल ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नंबर बोल तो। 5 तो 50 कर लेते, थोड़ा पानी को इज्जत देंगे फर्स्ट इसमें। 50, ठीक है, अभी पियो, वेरी गुड। अभी उसका गला थोड़ा यू नो मस्त एकदम ठंडा हुआ, प्यास थोड़ी बुझ गई, बट उसको अभी तक ऐसा, हमेशा कंज्यूमर एम्स टू व्हाट, अचीव व्हाट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ही हैज नॉट येट अचीव्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसने पानी पिया, सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन मिला, बट पूरा नहीं मिला अभी तक, मैक्सिमम हुआ क्या नहीं। तो अब वो क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे, कि वो सोच रहा है कि सर और एक सिप पीऊंगा मैं, बराबर पियो, ऐसा बड़ा बड़ा सिप पीना पहले यूटिलिटी। अरे ठीक है, यूटिलिटी बोल, कितनी एंटिसिपेट कर रहा था, 40 लिख देता हूँ मैं, बस 40 कर दो सर, ठीक है। तो उसने सेकेंड सिप पिया, सही बात है एकदम। फिर उसके बाद थर्ड सिप के लिए आप कितना एंटिसिपेट कर रहे हो, उसकी और सेटिस्फैक्शन थोड़ा लेवल और बढ़ गया। तो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा या बढ़ते जाएगा? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इंटेंसिटी टू कंज्यूम इज मोर, सो देयरफॉर सेटिस्फैक्शन एंटिसिपेटेड इज मोर। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूं कि जब अपन पिज्जा ऑर्डर करते थे, याद है, कई बार पिज्जा भूख लग रही है, जब भूख लगती है तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, ऐसे बहुत कुछ ऐसे आपको ख्याल आते हैं, आते कि नहीं आते? यस सर। जब ऑर्डर करना होता है ना दोस्तों, अरे एक पिज्जा तो मैं ही खा लूंगा यार, तू 2-3 मंगा ले पिज्जा, तू भी खाएगा, हाँ सब और मंगा ले मंगा ले। फिर जब जैसे ही पिज्जा आता है, झपट पड़ते उस पिज्जा के ऊपर, एक एक स्लाइस सब लोग, मतलब आधा पिज्जा तो यूं ही गायब हो जाता, पता भी नहीं चलता, फटाफट फटाफट वो एंड के क्रस्ट के साथ खा लेते, बराबर कि नहीं। सेकेंड पिज्जा, फिर थोड़ा होश आता है, सेकेंड स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने के बाद खाते खाते फिर बात करते हैं, हाँ भाई क्या ऐसा, वो स्लो स्लो जाता, फर्स्ट तो एकदम फास्ट गया, सेकेंड स्लो स्लो, थर्ड जब अभी पेट भर गया ना, थर्ड स्लाइस में क्या होता है, अरे तेरा बाकी है रे, वो बोलता है नहीं नहीं मेरा नहीं तेरा बाकी है, देन यू स्टार्ट थ्रोइंग पिज्जा स्लाइसेस ऑन वन अनदर, क्योंकि अब आपका पेट भर चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में भूख ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आपको यूटिलिटी, आप कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो, भाई तू मंगवा बस, समझ रहे बात को, वैसा ही है। अब दूसरा सिप पी लिया उसने, तीसरे सिप को एंटिसिपेट कर रहे कितना यूटिलिटी मिलेगा सर आपको, 30। सो उज्जवल भैया यस, थर्ड सिप, ओके। फिर अभी फोर्थ सिप के लिए बात होगी, सो कितना यूटिलिटी आप एंटिसिपेट कर रहे हो, 25 बोल रहे हैं वो, 25। हां जी सर, अच्छा खासा बड़ा सिप पिया, मैंने देखा पिया पक्का, ओके। फिफ्थ, 20 एंटिसिपेट कर रहा है वो, पियो, वेरी गुड। फिर उसके बाद सिक्स सिप के लिए वो बोल रहा है सर 15, पियो, अरे बड़ा सिप पी वो, अच्छा रीजनेबल साइज होना चाहिए, हंसी आ रही बाद में हंस लेना, अरे बाद में बोला तो भी हंस, वेरी गुड। अभी सेवेंथ के लिए वो बोल रहे हैं सर 10 यूटिलिटी मिल रहा है, पियो सर। एट के लिए वो बोल रहे हैं सर 8 यूटिलिटी मिल रहा है, वेरी गुड। नाइन्थ सिप के लिए वो बोल रहे हैं सर 6 यूटिलिटी मिल रहा है, 10th यूटिलिटी के लिए बोल रहे हैं सर 4 मिल रहा है, अरे कैसा पूछ रहा है सर, आप क्या पियोगे छिछोरे, पानी पी दो, 4, चलो। 11th में वो बोल रहे हैं सर 2 मिल रहा है यूटिलिटी, पियो सर। कौन बोला, तुझे हेल्प करने जाना पड़ता है क्या,
तुझे इतना टेंशन क्यों है भाई, बोलना तुझे इतना टेंशन क्यों है। चलो एंड लास्ट में अब वो बोल रहे हैं सर बस करो सर, अब सेटिस्फेक्शन बहुत हो गया, अब कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा। फिर भी हम बोलेंगे भाई पी 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 ले। फिर अब और जब उसको पीने बोलेंगे तो उसके दोस्त भी बोलने लग गए बस कर पानी बाहर आ जाएगा भाई, उल्टी आ जाएगी तेरे को। सही बात है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा, वो बोल रहे सर अब मेरे को है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा सर, अभी अब वो ओवर हो गया सर, वो समझ रहे बात को। बैठ जाओ बेटा, थैंक यू वेरी मच, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उज्ज्वल, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं। तो आप समझने की कोशिश करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक उस यूनिट से कितना यूटिलिटी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग मेजर कर सकते। ये बात समझ में आई आपको, बोलना पड़ेगा बोलो। यस सर। तो यहां पे आप समझिए, इस सबको जब अपन ऐड करते हैं तो इसको बोलेंगे सर क्या, टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट पे कितना यूटिलिटी था 50, दो सेकेंड यूनिट पे कितना यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एक का 50 था दूसरे का 40 था, तो दोनों का मिला के कितना यूटिलिटी हुआ, अंडरस्टूड। सो इट इज हाउ मच 90, देन 120, 145, 165, 180, 190 एंड सो ऑन। अरे बोलो ना कुछ, अरे बोलो ना कुछ। यस सर, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज टोटल यूटिलिटी। एंड नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या कहते हैं सर, जो बोल रहे ध्यान से सुनेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट को कंज्यूम करने से कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट, कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिला, उस एक्स्ट्रा बेनिफिट या उस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को हम क्या नाम देंगे, बोलो ना, मार्जिनल यूटिलिटी। सो मैं जब एक यूनिट को कंज्यूम, जीरो यूनिट जब कंज्यूम कर रहा था तो यूटिलिटी कितनी थी, जीरो। बट जब एक को कंज्यूम किया तो कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, 50। दो को कंज्यूम कर रहा था तो 90, एक को कंज्यूम कर रहा था तो 50, तो उस सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने से कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, समझ में आया आपको। सो ऐसे आप मुझे बताओ क्या हुआ, 40 30 25 20 15 एंड 10। समझा गया दोस्तों। सो बेसिकली इसको हटा देता हूं मैं, बराबर के नहीं। और अगर अब आप फोकस करोगे इन दोनों फॉर्मूलास पे तो आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, कुछ बोलो तो सही, क्या नजर आ रहा है आपको, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस टोटल यूटिलिटी एट एन माइनस वन। नहीं आप समझे नहीं। अब जैसे अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी एट टू यूनिट्स निकालना है, सो मैं क्या करूंगा, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एट टू माइनस व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एट टू माइनस वन, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन ना, बराबर। सो बेसिकली माय फॉर्मूला इज टी यू एट टू माइनस टी यू एट वन। सो टी यू एट टू कितना है 90 एंड टी यू एट वन कितना है, बोलो ना, 50। सो आंसर क्या आया, 40। तो क्या ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एट टू यूनिट्स आएगा 40। एग्जैक्टली द फॉर्मूला। समझा गया बात को, कुछ क्वेरी डिफिकल्टी किसी को, नो सर, बेस्ट है। समझ में आया दोस्तों व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, बोलो ना कुछ। एंड अगर आप फोकस करोगे ध्यान से एकदम मन लगा के, सो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या होते जा रहे हैं, पहले 50 था, फिर 40 हुआ, फिर 30 हुआ, 25 हुआ, क्या क्या हो क्या रहा है ये इधर, हां जी डिक्रीज हो रहा है, श्योर हो आप लोग, पक्की बात है ना एकदम, यस सर।
तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, एज द कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग दैट यूनिट, आई बात समझ में, द एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स आउट ऑफ इट विल गो ऑन व्हाट, डिमिनिशिंग, दैट इज नथिंग बट सिंपली वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर एकदम बात? यस सर। ओके, अभी यहां पर जब बात करी रहे ये सब चीजों की, तो दोस्तों टीयू और एमयू की बात हो रही है, तो यहां पे इनके डायग्राम्स भी अपन बना लेते हैं, ध्यान से सुनना समझना आराम से। सो आपको दिख रहा है टीयू क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर जब वो मैक्सिमम पे हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कम कम होने लग गया था, जैसे अपन जैसे अभी नंबर्स अगर अपन चेंज करेगा, ये उसको छेड़ने के लिए अपन ने कुछ नंबर्स बनाए थे ऐसे, ठीक है। सो लेट अस से फर्स्ट पे उसको मिला 50, सेकंड पे मिला 25, थर्ड पे ही गॉट 15, फोर्थ पे ही गॉट 5, फिफ्थ पे 0, सिक्स्थ पे -10, सेवेंथ पे -20। ओके ओके, सो मुझे बता दो अभी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 50, 75, 90, 95, 95, 85 एंड 65। क्लियर है? सो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम कम होते ही जाएगा, बस नंबर्स थोड़ा वो शॉर्ट रखने के लिए अपन ने उसको चेंज किया। सो यहां पे आप अगर देखोगे फोकस करोगे, सो क्या हो रहा है दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी साथ में स्टार्ट हो रहा है। आप देखोगे 50 50 फॉर फर्स्ट यूनिट, दे बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट है ना। और अब अगर आप फोकस करोगे टीयू जो है ना सर, टीयू क्या हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैक्सिमम पे पहुंचा और फिर गिरते गया। देखो आप 95 पे मैक्सिमम पे आया वो, फिर 85 65 हुआ, बोलो कुछ। उसके बाद सर बात करेंगे अबाउट एमयू की, तो एमयू आप देखोगे कि शुरुआत से ही गिरा हुआ है, देखो ना 50 25 15 5 -10 -20 शुरुआत से ही गिरा हुआ है ना सर, यस और नो? तो ये जो है ये आपका एमयू, और ये नेगेटिव में भी जाता है ये, बराबर। सो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, बोलो हाँ या ना? यस सर। सो दिस इज द डायग्राम बिटवीन व्हाट, टीयू एंड एमयू। हाँ, दिस इज द डायग्राम बिटवीन व्हाट, टीयू एंड एमयू। क्लियर है एकदम? यस सर। कुछ क्वेरी इस डायग्राम में, नंबर के बेसिस पे डायग्राम। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। रेडी? सो नाउ वी टॉक अबाउट इस रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। डायग्राम देख के बताओगे? सो क्या हुआ यहां पे? अगर आप देखोगे फर्स्ट व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू इज फॉलिंग, बोलो यस और नो? व्हेन टीयू इज इक्वल टू मैक्सिमम एमयू इज इक्वल टू जीरो, बोलो यस और नो? यस सर। एंड व्हेन टीयू इज फॉलिंग एमयू इज इक्वल टू नेगेटिव, ये रिलेशनशिप हुआ। सही है एकदम? कोई क्वेरी यहां पे? एकदम सही है। व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज मैक्सिमम। मेरा बच्चा दिस पॉइंट ओवर हियर व्हेन टीयू इज मैक्सिमम दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ फुल सैटिएटी।
फुल सैटिटी मतलब क्या, पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन, मतलब जीरो हो गया सर, वो अपन बोलते ना कभी कि सर बस सर गले तक आ गया, अभी इससे ऊपर नहीं जा सकता. सो दैट इज वेयर द कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड. यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वेयर द कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड. कभी कभी ऐसा होता ना भाई, अब फ्री में भी देगा तो भी नहीं चाहिए, मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गया हूं, अब और नहीं चाहिए. समझ रहे बात को? दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट इज द पॉइंट ऑफ फुल सैटिटी व्हेन टीयू इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम, एंड एमयू इज इक्वल टू जीरो. एमयू जीरो मतलब क्या, अब इससे आगे हमें और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो अब और नहीं हो सकता. क्लियर है बात एकदम? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट मेरा बच्चा, टीयू एंड एमयू. क्लियर है एकदम? कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी? नो सर. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो चर्चा हो रही है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने के लिए इसके भी कुछ मालिक कुछ अजम्पशंस है. ये जो अजम्पशंस हमने पढ़े ना दोस्तों, ये तो है ही है, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने के लिए कि द कंज्यूमर शुड गेट व्हाट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, समझ रहे बात को, वो यूटिलिटी डिमिनिश होने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा अजम्पशंस है. तो वो अजम्पशंस क्या क्या है, आइए उसको और हम लोग कंटिन्यू करते हैं. नंबर वन, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन. क्या बोल रहे सर? There should be continuous consumption. अब आपको क्या लगता है, उज्जवल सिर्फ आज पानी पिया? नहीं सर, बचपन से पानी पीता आ रहा है वो, कभी मना नहीं किया वो. बट वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए उस समय पे जो उसकी वांट है, अगर वो उसको कंटिन्यूअसली देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तब जाके उसको क्या होते जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे. अभी उसको पानी पिलाया, वापस आना मत क्लास को, जाओ 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 जाओ, उसका पढ़ के हो चुका है मालूम है ना, नहीं हुआ फिर जाओ तुम भी साथ में जाओ उसका. हाँ हाँ जाओ 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 जा भाई. सो देर इज व्हाट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन. सो अगर कोई भी आपका जो वांट है, आप समझने की कोशिश करो कि अगर उसको हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे हम लोग कंज्यूम करते जाए करते जाए करते जाए, तो क्या होते जाएगा दोस्तों, हमारी उस समय पे जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम कम होते जाएगी. क्लियर है? सो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करने के लिए देयर शुड बी व्हाट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन. पॉइंट नंबर वन समझ में आया आपको? यस सर. सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन के बाद वो क्या कहता है, जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम, एग्जैक्ट, डिटो, रेप्लिका, वो होमोजीनियस होना चाहिए. नहीं तो क्या हो जाएगा, आप समझिए बात को, कि अब अगर मान लो मैं जो कॉफी पी रहा हूं, मैं यहां पे इस कप ऑफ कॉफी में जब मैं पी रहा था, यार ये ठंडी कॉफी थी तो यूटिलिटी मेरे को कम आई, फिर उसके बाद और एक कप ऑफ कॉफी और गरम गरम कॉफी है, तो ऑब्वियसली मेरा यूटिलिटी इसमें बढ़ेगा या कम होगा? तो यहां पे अगर ये ठंडा कॉफी है, यहां पे गरम कॉफी है, सो दोनों में यूटिलिटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. जो प्रोडक्ट आपका होना चाहिए वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तभी जाके डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे. अगर आपको, अगर मान लो एक मीठा प्रोडक्ट दिया जाए और उसके बाद सॉल्टी प्रोडक्ट दिया जाए, तो आपकी यूटिलिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी. बराबर? तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेम. अगर आप सब्जी खा रहे हो, एक सब्जी खाई आपने, एकदम फर्स्ट बाइट आपने खाया, एकदम तीखी सब्जी है, फिर उसके बाद आपको और सब्जी थोड़ी सी दे दी और वो एकदम बढ़िया बना के दी, तो सेकंड सब्जी में यूटिलिटी चेंज होगी ना, भले ही वो सब्जी वैसे ही है. तो इसीलिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस. नंबर थ्री, क्या कहते हैं, जो कंजम्पशन का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल साइज होना चाहिए, तब जाके वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा. प्यासे को पानी पिला रहे अपन, तो रीजनेबल साइज क्या होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए ना. तो फिर जब वो एक ग्लास पानी पिएगा, सेकेंड ग्लास के लिए उसकी यूटिलिटी कम होगी, थर्ड ग्लास के लिए और कम होगी, फोर्थ ग्लास के लिए और कम होगी. बट इमेजिन कीजिए किसी को प्यास लगे और आप स्पून लेके आ गए, ले बेटा स्पून स्पून करके पानी पिलाया आपको, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी. वो बोलेगा भाई दूसरा सिप जल्दी पिला,
तुम समझ रहे बात को? तो द यूटिलिटी अगर डिमिनिशिंग चाहिए आपको, तो वो जो साइज ऑफ कंजम्पशन है वो कैसा होना चाहिए? रीजनेबल साइज होना चाहिए। किसी को है ना तीखा लगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शक्कर देते हैं, भाई ले ले शक्कर खा ले दो। तो शक्कर हम लोग क्या इतना ऐसे प्रॉपर ऐसे अपना हैंडफुल भर के उसको शक्कर गिला दे? नहीं, अपन एक काम करेंगे, एक एक ग्रेन देंगे, ले शक्कर ले शक्कर ले शक्कर। वो बोलेगा क्या भाई, अगले इसमें उसको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी ना उसको। तुम समझ रहे बात को? तो साइज कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। फिर उसके बाद लास्ट में क्या कहते हैं, देर शुड बी नो चेंज इन वॉट टेस्ट और प्रेफरेंसेस। आप कुछ चीजें कंज्यूम करते जा रहे हो एंड ग्रेजुअली, मतलब जैसे घर में मम्मी को एक सब्जी बनाती, मान लो कभी करेला का करेले की सब्जी बनाई है, शक्ल देख के आपको पसंद नहीं, अरे नहीं नहीं मम्मी मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा मैं, मम्मी बोले थोड़ा सा टेस्ट के लिए तो खा ले, बाद में वापस मांगेगा तो भी नहीं दूंगी तेरे को, बस इतना नाम के लिए खा ले इतना। आप बोल रहे चलो ठीक है, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट बाइट जो है ना आप उससे स्टार्ट करते हो, क्योंकि बाद में जो दूसरी सब्जी है ना आपको वो खानी है करके। तो फर्स्ट आप मतलब दो बाइट में आप निपटाने की कोशिश करते हो, फर्स्ट बाइट खाते हो, नॉट बैड, मैनेज कर सकते हो, दूसरा बाइट खाया, देन यू रियलाइज कि अबे एक्चुअली बहुत अच्छा है बे, आपको यूटिलिटी बढ़ने लग गई आपकी। एंड उस केस में फिर ऐसा होता है कि यार मम्मी और चाहिए, बड़ो मम्मी से मांगू कैसे यार, है ना? तो जब आप मांगते भी हो या चोरी छुपके लेते भी हो बराबर की नहीं, तो क्या होगा, आपको यूटिलिटी बढ़ गई। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो गए तो नेक्स्ट नेक्स्ट बाइट में क्या होते जाएगा, यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी। समझे क्या बात को? यस सर। तो ये कुछ अजम्पशंस यहां पे आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें फॉलो होगी तब जाके दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। क्लियर है एकदम बात? हे गाइस बोलो कुछ। यस सर। बट इसमें आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों इसके अंदर ये अजम्पशंस तो है, और ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग को मिलेगा, ये सही है, बट आपको पता है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। इसमें क्या है, वी हैव सम एक्सेप्शंस एज वेल। एक्सेप्शंस मतलब क्या, कि इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी काम नहीं करेगा। व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस सर, लेट अस डिस्कस। एक्सेप्शन नंबर वन, पढ़ाई, दैट इज योर एजुकेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी पढ़ने की बहुत इच्छा है, बहुत आगे जाना है, क्यों? हाँ अभी जाओ बाहर देखो, तुम सुनो इधर, कुछ भी हो जाए तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे बताओ मैं ऐसे जाऊं, मेरा दोस्त आया बाहर में जाओगे आप? मैं एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आई एक्सपेक्ट डिसिप्लिन। आप अगर पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा दोस्त आया बाहर, मैं जाऊं आपका लेक्चर छोड़ के जाऊं? मैं बोलता हूं 10 मिनट आप बैठो इधर, मैं आता हूं बाहर जाके, विल यू एक्सेप्ट? हाउ विल आई एक्सेप्ट? तुम यहां पढ़ने आए हो भाई, और तुमको अगर पता है ना कि मेरा दोस्त जाने वाला है या उसके साथ मेरे को रुकने का है ना, तो क्लास आओ ही मत। सिंपल एज दैट। तुम समझ रहे हो तुम तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा करियर बन रहा है यहां पे, तो तुमको वो डेडिकेशन वो सिंसियरिटी तुमको दिखानी चाहिए। आपको एक्सेप्टेबल है क्या, तुम रुको यहां पे, मैं 10 मिनट मेरे दोस्त से गपशप करके आता हूं मैं, मतलब ये क्या हुआ, मेरी इज्जत कुछ नहीं है यहां पे, तुम तुम्हारा बोलते रहो मैं जाके आता। बैठो तुम्हारी मर्जी है, बैठ जा तेरी मर्जी है, बैठना है तो बैठ जाना, वापस जाना है वापस चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नुकसान तुम्हारा है, मेरा काम है पढ़ाना वो भी अच्छे से। तुमको रियलाइज होना चाहिए कि अपन जिंदगी में क्या कर रहे हैं।
फिर वही दोस्त जो है ना बाद में इंटर में मिलेंगे, तुम यहीं मिलना मेरे को वापस, चलेगा क्या ऐसा? ऐसा बोलूं तो हर्ट होगा ना। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज व्हाट, एजुकेशन। सो हम लोग के दिलो दिमाग के अंदर हमेशा एक ऐसी चाह रहती है कि सर हम कुछ नया सीखे, हम कुछ नया चीज को लर्न करें, एंड वी आर ऑलवेज यू नो वेरी एक्साइटेड कि टू लर्न समथिंग न्यू, दैट इज व्हाट इज एजुकेशन वी मीन ओवर हियर, समझ रहे ना? तो आप हमेशा क्यूरियस रहते हो, आपको यूटिलिटी हमेशा ज्यादा मिलती है कि अगर आपको कुछ नया सीखने मिले तो। कल आपको पढ़ाया, आज फिर से आप मुंह उठा के चले आए पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में आप यूटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि आज कुछ नया सीखने वाले। कल वापस से आओगे, परसों वापस से आओगे, क्यों आओगे? क्योंकि आपको नया सीखने की इच्छा है, सो यूटिलिटी आपको मिलती जाएगी ज्यादा। इट इज एन एक्सेप्शन, यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पढ़ाई, सेकेंड पॉइंट वी टॉक अबाउट इज पैसा, दैट इज मनी। जब इंसान बहुत पैसे कमाते जाता है ना तो उसकी यूटिलिटी कम नहीं होती, उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। वो खुश होता है कि आज अगर मान लो 1000 रुपए कमा रहा हूं, कल 2000 रुपए कमा रहा है, कल 4000, कल 8000, 20000, 50000, 1 लाख, 2 लाख। द सेटिस्फैक्शन जो है ना उसका, उसका क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। कोई इंसान कभी ये नहीं बोलेगा क्या यार इतने पैसे कमा रहा मैं, नॉनसेंस, ऐसा कभी नहीं होगा। ही विल ऑलवेज हैव व्हाट, अ ग्रेटर यूटिलिटी। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज मनी बिकम्स एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर उसके बाद वी टॉक अबाउट इज अ पर्सन हु इज ड्रंकार्ड, बराबर के नहीं, हु ड्रिंक्स अल्कोहल। सो उसकी यूटिलिटी जो है ना, सी अगेन, he is irrational when he is drinking alcohol, he is not in his senses, wo apna hosh kho baithta hai, and us wajah se usko kya hota hai ki with every sip or every drink what he has, he anticipates that bahut maza aa raha hai and utility aur milegi agar aur piunga to, wo kam nahi hota. Koi insaan aapko aise nahi milega aapko ki wo bolega ki yaar pee raha hai, wo aisa kab nahi bolega ki bas yaar bahut ho gaya karke, उसको मजा आते जाता है, नील कीप ऑन ड्रिंकिंग टिल द टाइम वो कहीं गिरा हुआ पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। सो वो यूटिलिटी उसकी क्या होती जा रही है? उसकी बढ़ते जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट अजम्पशन ही फेल हो रहा है कि वो रैशनल नहीं, वो इरेशनल है सर वो। अरे बोलो यस सर, ऐसा पॉइंट है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज हॉबीज। इंसान की हॉबीज जो होती है, बराबर, वो उसको, उसका जो पैशन है, उसका जो हॉबीज है, वो उसको जब परस्यू करते जाता है तो उसको कभी उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेगा, उसको मजा आता है। कुछ लोगों को सिंगिंग, डांसिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, मनी कलेक्टिंग, ऐसे हॉबीज होते हैं। सो द मोर दे डू द मोर यूटिलिटी दे एंटिसिपेट, उनको बहुत मजा आता है वो चीजें करने में। उसके बाद म्यूजिक, इंसान बैक टू बैक रिपीट, कुछ गाना जब अच्छा लगता है ना आपको, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बैक टू बैक रिपीट मोड पे वही गाना सुनते हो, बहुत टाइम बाद फिर उसका डीएमयू चालू होता है, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत टाइम बाद होता है, बट जब वो गाना आपने स्टार्ट किया सुनना और आपको बहुत पसंद आया ना, सो बार बार लगातार, अरे भाई ये मेरा वाला गाना है यार, मेरा वाला गाना लगाना। रिसेंटली जैसे आप लोगों ने मतलब वो केसरिया तेरा वो चालू हो गया था, बैक टू बैक कभी हुआ नहीं कि लगा रहे केसरिया। फिर आप कोई अगर केसरिया लगा, साले तू वो गाना लगा तो याद रखना मार खाएगा तू, बट जब वो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सुनते हो तो उसका और एक बार लगाना। यूटिलिटी आपकी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। एंड लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, माइजर। माइजर मतलब जो व्यक्ति पैसा बचाता है, उसको मजा आता है कि जितने ज्यादा पैसे बचाएगा ना उतना और मजा आएगा उसको। एंड उसके बाद ईएफजी, द लॉ आल्सो फेल्स इन केस ऑफ व्हाट, प्रेस्टीजियस गुड्स। कौन से गुड्स दोस्तों? प्रेस्टीजियस गुड्स मतलब आपने देखा होगा आपके मम्मी को या आपके मतलब घर में जो ऐसे बड़े लोग हैं ना, दादी को वगैरह, तो उनको ज्वेलरी कलेक्शन करने का या ज्वेलरी मतलब चाहिए, कभी मना नहीं करेंगे, और खरीदना, हाँ चलो खरीदते हैं, बस बोलना चाहिए, वो कभी वो मना नहीं करेंगे, होने के बावजूद भी वो बोलेंगे और चाहिए, प्रेस्टीजियस गुड्स। तो उस केस में उनको यूटिलिटी क्या होती जाती है दोस्तों? ज्यादा मिलते जाती है। सो दीज आर व्हाट दी एक्सेप्शंस। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? पढ़ाई, पैसा, दारू,
बोलो पढ़ाई, अच्छे से बोलो पढ़ाई, पैसा, दारू। वैसे घर में ऐसे पढ़ोगे तो वैसा मत करना, नहीं तो घर वाले आपको भी मारेंगे, मेरे को भी मारेंगे। मस्त आप तो जोर जोर से पढ़ाई, मम्मी पापा खुश हो रहे बाजू से, हाँ बच्चा पढ़ाई की बात कर, पैसा मतलब खुश हो रहे कि पढ़ाई करके पैसा कमाएगा, उसके बाद आप लगेज बोल रहे दारू है, दारू के बाद तो आपको भी बजाएंगे मेरे को भी बजाएंगे। सो बजे अपने मन में बोलना, सो पढ़ाई एजुकेशन, पैसा मनी, दारू ड्रंक आर्ट HMM, हॉबीज म्यूजिक एंड माइजर एंड ऑल्सो इट फील्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। सो यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? सो ये सब चीजें अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी अबाउट TUMU एंड वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है एकदम? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे और एक कॉन्सेप्ट अभी बात करेंगे, सो जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट सर? कंज्यूमर सरप्लस। किसकी बात करें? चलो, सो नाउ वी टॉक अबाउट इज व्हाट इज कंज्यूमर्स सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किसे बोलेंगे? सो व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेस, द डिफरेंस बिटवीन द टू गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, संभालो अपने आप को। अब जो भी अभी फालतू बात करेगा स्ट्रेट वे में बैन करेगा, बाद में बोलना भी मत, फिर जो आपको क्लास के अपडेट से कुछ भी आप शेयर नहीं कर पाओगे। नहीं तो मैं स्ट्रीमिंग ऑफ कर देता हूं, मैं यहां जो फेस टू फेस के बच्चे उनको पढ़ाता हूं, आप बाद में बैकअप में देख लेना। सो कंज्यूमर सरप्लस की बात हो रही है यहां पर। सो वॉट इज कंज्यूमर सरप्लस डियर फ्रेंड्स? What the consumer is willing to pay minus what the consumer actually pays. मतलब क्या कह रहे हैं यहां पे कि आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो minus how much money you actually pay for it. That difference is what we call it as consumer's surplus. मतलब देखो जैसे अपन वो example की बात कर रहे थे, आप shirt लेने गए थे, shirt देखा, आपने पूछा, आपके friends ने पूछा कि कितने का है, आपने बोला होगा 500 का। And imagine if it actually turns out to be 300 rupees. You are like ki best hai yaar. Main soch raha tha 500 rupees dene padenge. But actually mere ko 300 rupees dene pad rahe. To 200 rupees ka kya hua? Surplus hua mere ko. You getting my point? So what is consumer surplus? What the consumer is willing to pay minus what the consumer actually pays. This is what we call it as consumer's surplus. Aaiye isko diagram pe kaise isko दिखाते हैं, चेक करते हैं उसके बारे में। सो व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली पेस। यहां पे आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है ये किसका है दोस्तों? मार्जिनल यूटिलिटी। एंड जब हम लोग कहते हैं ना कि ओके दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट वी से दिस इज द अमाउंट what the consumer is willing to pay. Yahi hua na? How much utility a consumer will derive is nothing but the marginal utility. Uske liye aap kitne paise dene ke liye tayar ho?
समझ रहे बात को? अब जैसे आप शॉपिंग भी करने जाते हो, फर्स्ट शर्ट जब खरीदते हो, चलिए मस्त लग रहा है, ले 1000 रुपए ना, ठीक है देने को तैयार है, फिर दूसरा शर्ट थोड़ा कम, फिर जब 2-4 शर्ट आपके पास हो जाते हैं ना, आप क्या बोलते हैं, भाई बस यार अभी अब पैसे है भले ही, फिर भी आप अब नहीं दोगे, क्योंकि अब यूटिलिटी क्या होती गई आपकी, कम कम होती गई है। सो मार्जिनल यूटिलिटी, अब आप बोलोगे ना 5 कपड़े है भाई, फिर अब नहीं खरीदना, भले ही सस्ता हो, नहीं अब मेरे को नहीं खरीदना इसको, बिकॉज द यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, सो दैट इज वॉट यू आर विलिंग टू पे गोज ऑन वॉट डिमिनिशिंग। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पे ये बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में, प्राइस के बारे में, किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, प्राइस। सो ये तो प्राइस ही है ना, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब आप इतना देने के लिए तैयार हो, इतना देने के लिए कितना, ये तो प्राइस ही हो गया ना, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे ऑल्सो। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये भी क्या है, प्राइस ही तो हो गया ना, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर विलिंग टू पे। अरे बोलो ना। सो ये भी प्राइस 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 ही हो गया ना, बिकॉज दिस इज द अमाउंट यू आर विलिंग टू पे। अब ये इतना आप देने के लिए तैयार थे, मतलब आप समझो जैसा जैसा क्वांटिटी आपका बढ़ते जाएगा वैसा वैसा योर विलिंग टू पे विल बी रिड्यूस्ड। समझा गया? यस सर। किसको नहीं समझा हाथ ऊपर करो। क्लियर एकदम? यस सर। अभी यहां पे लेट अस से दिस इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस, बराबर के नहीं, दिस इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, दिस व्हाट इज दिस, दिस हाइलाइटेड पार्ट इज माय डियर फ्रेंड्स व्हाट वी कॉल इट एज कंज्यूमर सरप्लस। This highlighted part is what we call it as consumer surplus. Because try to understand if the actual price is this. तुम समझो बात को। अगर actual price P है and अगर मैं बोलू आपको you are willing to pay this much, then the difference is your surplus, right? If you are willing to pay this much, actual price is this, remember this. जो P है ना, ये actual price है, और जो pink dots में कर रहा हूं that is you are willing to pay. ये एक्चुअल प्राइस आपका मान लो 100 रुपए है, बट आप 400 रुपए देने के लिए तैयार हो, आप 300 रुपए देने के लिए तैयार हो, आप 200 रुपए देने के लिए तैयार हो, और ये एक्चुअल 100 रुपीज है, तो 400, 300, 200 तक आपको क्या मिलेगा, सरप्लस मिलेगा। समझा क्या बात को? सो दैट येलो हाइलाइटेड पॉइंट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, बोलना पड़ेगा कुछ आपको, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। सही है एकदम? वेरी गुड। Anyone, any query? So, understood the concept of consumer surplus? Bachcho, bolo na kuch. So, this is the concept of consumer's surplus. Chalo. Shall we proceed from here? Anyone, any query, any difficulty? No, sir. Agla concept. Now, the next concept is कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी क्या पढ़ना है अपने को? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ध्यान से सुनना, कंज्यूमर को कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फोकस करना। अब देखो जब टीयू मैक्सिमम पे होता है ना, उसको बोलते हैं फुल सेटिस्फेक्शन। समझ रहे? और इक्विलिब्रियम पे हम लोग को मिल रहा है मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम और फुल सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस है क्या दोस्तों? क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड फुल सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस है क्या दोस्तों? है क्या? यस सर है। फुल मतलब यहां तक, इसके आगे नहीं जा सकता। मैक्सिमम मतलब जगह है और जा सकता है बट नहीं, हैप्पी है। समझ रहे बात को? तो दैट इज मैक्सिमम।
फुल मतलब और आगे उसके जा ही नहीं सकते, मैक्सिमम मतलब वी आर हैप्पी कंटेंटेड सेटिस्फाइड, बट उसके ऊपर जा सकते हैं बट जाना नहीं है. यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो व्हेन डज अ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम और व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज व्हेन मार्केट प्राइस, व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, वी से दैट कंज्यूमर हैज रीच्ड व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. जब मार्केट प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उस समय पे हम सर कहेंगे कि द कंज्यूमर हैज रीच व्हाट इट्स इक्विलिब्रियम. सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा? व्हेन एमपी इज इक्वल टू एमयू. मतलब आप समझो, मैं जितना पैसा देने के लिए तैयार था, बराबर है कि नहीं, और जितना मैंने एक्चुअली दिया, जब वो मैच हो जाता है ना, आई एम लाइक एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. अरे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आया, मजा आ गया. नहीं समझे? अब तुम समझो, इफ आई एम विलिंग टू पे 20 रुपीज फॉर दिस कप ऑफ कॉफी, हाउ मच आई एम विलिंग टू पे? 20. और मैं वो कॉफी शॉप वाले को पूछता हूं कि सर कितने हो गए इस कॉफी के? वो बोलता है 20. अरे क्या बेस्ट है यार, एक नंबर. Now I am getting what maximum satisfaction. अगर वो बोलता 30 है तो अपने को मजा नहीं आता, अगर वो बोलता 10 है तो अपने को सरप्लस मिलता. इक्विलिब्रियम पे नहीं होते. मैं हाउ मच आई एम विलिंग टू पे? 20. अगर वो 10 बोलता तो मैं सरप्लस में होता. वो एग्जैक्टली वो 20 बोला तो मैं इक्विलिब्रियम पे हूं. ज्यादा बोलता तो मैं खरीदता ही नहीं, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आ रहा. समझ रहे बात को? So when does the consumer reaches what the equilibrium point? When market price, the actual price is equal to the marginal utility that what the consumer is willing to pay. Samjha gaya? Yes sir. Chalo. Isko thoda acche se aur vistar mein samajhte hai. Dekho yahan pe market price, let us say, chalo ek kaam karte hai. Ha. Quantity 1, 2, 3, and 4. यूटिलिटी 50, 30, 20, and 10. नाउ लेट अस से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज 30, 30, 30, and 30. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द प्राइस इज 30? हाउ मेनी यूनिट्स? 2 units. Why 2 units? Because MP is equal to MU. तो consumer भले ही 3 unit, 4 unit खरीदेगा, मैं वो बोलेगा मजा नहीं ना, बट सर उसके अंदर इधर क्या है, जितना मैं देने के लिए तैयार हूं और जितना मैं एक्चुअली दे रहा हूं, सर सेम है यार, बेस्ट है, सेटिस्फेक्शन मिल गया ना. अरे समझा गया? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम खाने गए, 50 रुपीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अरे एक कप का है ना 50 रहेगा प्राइस, बट एक्चुअली बोल रहे नो इट इज ओनली 30 रुपीज. बोलता ला एक दे, मस्त मजा आ रहा है. फिर वो दोस्त पूछता है आपको, अरे खाना है क्या? बोला हाँ खा लेंगे, क्योंकि दूसरे में आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो आप यूटिलिटी 30 मिलना, 30 रुपीज ही देने उसको, हाँ आने दे 30 रुपीज. बट फिर दोस्त पूछता है आपको, और एक खाना है क्या? इसके भाई यार वर्थ नहीं यार और 30 रुपए देने का ऐसे. भले ही आपको यूटिलिटी मिलेगा बट वो इट इज नॉट दैट मनी इज वर्थ. इसलिए अपन कभी कभी बोलते हैं ना, ए छोड़ दे यार वर्थ नहीं है, लेने की इच्छा है बट उस प्राइस के लिए इट इज नॉट दैट वर्थ, बिकॉज आपको उतना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. समझेगा? इसीलिए आप उसको नहीं खरीदोगे. क्लियर है एकदम? यस सर. अब इमेजिन कीजिएगा दोस्तों, अभी यही इसका प्राइस जो हो गया, लेट अस से उसका 10 रुपए प्राइस हो गया, प्राइस गिर गया इसका. सो आपके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा, क्योंकि अब आप बोलेगा अरे आन दे और आने दे, यूटिलिटी मिलते जा रहे हैं. सही बात है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट प्राइस हो गया 50, आप क्या बोलोगे? चुपचाप एक ही खरीद, खत्म कर बात को. सही बात है. तो अगर आप फोकस करोगे, अभी जरा एकदम बहुत भारी चीज हो रही है, अगर आप फोकस करोगे, सो जैसे आपका प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन क्या हो रहा है आपका? ध्यान से देखना, प्राइस कम हो रहा है,
दो से चार रुपए, सॉरी किधर 30 रुपीज से 10 रुपीज हो गया था, 30 से 10 पे गए, प्राइस कम हुआ ना, तो क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई, 4 यूनिट्स हो गई ना, तो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई ना। और जब प्राइस जो है आपकी अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी आप 4 से किधर गए, ऊपर 1 पे गए, तो क्वांटिटी कम हो गई ना। ऐसा कहीं हमने देखा था, प्राइस कम हो रही तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो रही है, कहां देखा था ये, लॉ ऑफ डिमांड में। सो दैट इज व्हाई इफ यू रिमेंबर द रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। समझा गया? क्योंकि अब आप समझो बात को, क्यों ऐसा बोलते हैं, यहां पे आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, करेक्ट है। अब जब प्राइस कम हो गई ना, जब प्राइस कम हो गई ना, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्या? 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे आप, 30-30 मार्केट प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी 30-30, यू आर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यू आर एट दैट पॉइंट। अब प्राइस जैसे ही कम हो गई, यार ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बिगड़ गया ना मेरा, अब आई हैव टू रिस्टोर दैट इक्वालिटी पॉइंट। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिस्टोर करने के लिए अब प्राइस कम हो गई है तो मेरे को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि मेरा एमयू कम कम होते जाएगा और प्राइस को इक्वेट करके मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा। सो व्हेन आई कंज्यूम मोर क्वांटिटी माय यूटिलिटी विल फॉल एंड देन आई विल बी इक्वल टू व्हाट द मार्केट प्राइस। बट ऑन द अदर एंड प्राइस बढ़ गया, वापस से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो मेरे को कम कम कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि मेरी यूटिलिटी बढ़ जाए, देन आई अगेन रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझा गया बात को? यस सर। तो इसीलिए वी से दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। और अगर आप अब देखोगे एमयू का कर्व भी देखोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना रे, उसी से डिराइव हुआ है वो। समझा क्या बात को? अरे बोलो ना। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी, द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और इसी के साथ दोस्तों हम फिनिश करते हैं अपना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल अप्रोच। इजी एकदम बेस्ट है। सो अभी अपना बस बचता है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो हम लोग कल करेंगे। जबरदस्ती आज फास्ट फास्ट पढ़ के कोई मतलब नहीं है। सो विल कंटिन्यू दैट टॉपिक टुमारो। सो यहां तक आपको कॉन्फिडेंस है, समझ में आया सब कुछ एकदम अच्छे से, बेस्ट है एकदम? यस सर। सो मैं कल अपन लेक्चर लेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, सही एकदम? यस सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो। कल हम लोग 11:15 को ही स्टार्ट करेंगे लेक्चर, है ना, ताकि हम लोग को इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ने के लिए अच्छा खासा समय मिले अपने को, है ना। सो हम लोग कल अच्छे से पढ़ सके उसको, और अगर फिर कल जल्दी हो गया इंडिफरेंस कर्व और टाइम बचा तो विल यू नो उसी समय पर सप्लाई भी निपटा देंगे, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।